नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रिचा और आपके सामने लेकर आई हूँ आज बिग बॉस के डे 4 की खबरें। जिसने देखा ठीक है, जिसने नहीं देखा वो प्लीज़ सिनेस्पिक्स पे आ जाइए और देखिए कि हम झटपट आपको बताते हैं आज डे 4 में बिग बॉस में क्या हुआ। तो हुआ क्या आज, धीरे धीरे बिग बॉस में ना कई इंटरेस्टिंग सी चीज़ें हुई। सबसे पहले हुआ ये जो 7 लग्जरीज वाला टास्क, जो कि हमेशा है ना जो देती है बीबी मॉल से जो सामान कंटेस्टेंट्स को निकाल के, वहाँ पे आज निकी जी अड़ गई अपने 2 सामान के लिए। उन्होंने बोला उनको अपने एक्स बॉयफ्रेंड की बहुत याद आ रही है, तो वो उनकी टी शर्ट और उनका शॉर्ट पहन के सारा दिन घर में रहना चाहती हैं, जिसके खिलाफ घर के सारे कंटेस्टेंट्स हुए। उन्होंने बोला कि हम बिल्कुल तैयार नहीं हैं क्योंकि हमें ऑलरेडी हमारे छोटे छोटे सामानों की जो ज़रूरत वाले सामान है वो चाहिए, बट निकी अपनी बातों पे अड़ी रही। उन्होंने बोला कि मैं सेल्फिश हूँ और मैं ऐसी ही हूँ, मैं नहीं बदलूँगी, जिसको जो करना है कर ले। तो गौहर ने बोला कि अगर आप लोग आपस में फ़ाइनल नहीं करेंगे तो आज कोई खाना नहीं खाएगा जब तक ये मैटर सॉर्ट आउट नहीं होता। हुआ क्या, सारे कंटेस्टेंट्स एक तरफ, हमारी निकी मैडम बिल्कुल अलग क्योंकि वो बिल्कुल अड़ी हुई थी। फिर निशांत ने एक समझदारी दिखाई, उसने जाके निकी को ये बोला कि चलो ठीक है, अगर मान लो आज मैं अपने सामान को सेक्रीफाइस करता हूँ, क्या कल तुम मुझसे प्रॉमिस करोगे कि तुम अपने वो 2 सामान आज सेक्रीफाइस कर रही हो, और आज तुम सामान ले रही हो और कल उसके बाद मैं अपने वो सामान लूँगा और तुम कल सेक्रीफाइस करोगी। तो उसने बोला कि चलो ठीक है, आई एम रेडी फॉर दिस, मैं करती हूँ। वहीं पर एजाज हो गया और कई ऐसे लोगों ने बोला कि नहीं तुम ये गलत कर रहे हो, बिकॉज़ निकी ना कभी बदली है ना कभी बदलेगी, वो तब भी वैसी रिजिड थी, आज भी रिजिड है, और ये भेड़िए को खाना देने वाली बात हो गई, वैसा एक एग्जांपल एजाज ने सेट किया। तो ये बात वहीं ख़त्म हो गई, जहाँ निशांत को काफ़ी गुस्सा आया कि एटलीस्ट आई वॉज ट्राइंग टू सॉर्ट आउट सम मैटर, बट आप लोगों को खाने को नहीं चाहिए तो ठीक है, आप लोगों की मर्जी। अब आधा दिन निकल गया, अब यहाँ पर होती है सिद्धार्थ शुक्ला की एंट्री, जिन्होंने एक हीरोइक तौर पे एंट्री मारी और निकी को बोला कि निकी आधा दिन निकल चुका है, अब तुम आज अपनी चीज़ों को सेक्रीफाइस करो और लोगों को बोलो कि चलो आज तुम कुछ नहीं ले रही हो, सबको खाना खाने दो, सब भूखे भी हैं। निकी झटपट मान गई, निकी ने जाके बोला कि वो सेक्रीफाइस कर रही हैं और ठीक है वो सब चीज़ें छोड़ रही हैं। ये तो हुआ एक टॉपिक, एक सेक्शन। दूसरा एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, जहाँ पर बिग बॉस ने डाला अभिनव शुक्ला को एक मेजर धर्म संकट में, जहाँ पर उन्होंने ये बोला अभिनव शुक्ला को कि भाई आप डिसाइड कर लो, आपको अपनी इम्यूनिटी चाहिए या अपनी बीवी को यानी कि रूबीना दिलैक को घर के अंदर लेके आना है, क्योंकि ऑलरेडी 3 कंटेस्टेंट टास्क जीत के घर के अंदर आ चुके हैं। बेचारी रूबीना बहुत दिन से घर के बाहर अकेले बिल्कुल किसी भी लग्जरी के बिना अपना टाइम बिता रही हैं। तो उनके अभिनव जो थे उन्होंने बोला कि नहीं, वो ये सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, वो इम्यूनिटी को सेलेक्ट कर, उन्होंने इम्यूनिटी को सेलेक्ट किया रूबीना के ऊपर, जहाँ रूबीना का मूड थोड़ा सा अपसेट हुआ और बाकी के कंटेस्टेंट थोड़े से शॉकिंग दिखे। बाद में जो दोनों मियाँ बीवी ने आपस में बातें करी कि भाई ये तरीका है हमें अलग करने का, तुम थोड़ा समझने की कोशिश करो, वहाँ रूबीना ने अपना बड़ा प्यार से उसको ओके बोला कि ठीक है दैट्स फाइन, मैं कम्फर्टेबल हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर एक ये चीज़ भी ख़त्म होती है। अब आता है जो हमारे सिद्धार्थ शुक्ला यानी कि विनर ऑफ बिग बॉस 13, उनको एक मेजर इंपॉर्टेंट टास्क दिया गया, जहाँ पर वो बने, जहाँ पर एक सिड आइलैंड क्रिएट किया गया, जहाँ जो 5 गॉर्जियस लड़कियाँ हैं अपने बिग बॉस हाउस की, उनको सिद्धार्थ शुक्ला को रिझाना था, उनको खुश करना था, और वो विनर के रूप में सिद्धार्थ उनको चुनते और वो एक और इम्यूनिटी विनर बनती, ऐसा टास्क दिया गया, जिसमें पहला था टैटू का टास्क, सेकेंड था जहाँ पर उनका एक मड वर्ड से वो बिल्कुल भीगेंगी और सिद्धार्थ को इम्प्रेस करेंगी, और तीसरा टास्क था कि वो ग्लास को भर के और पानी लेके आएंगी, जिसके ग्लास में एंड तक सबसे ज़्यादा पानी होगा वो उस वाले पर्टिकुलर सेक्शन के विनर होंगी। अब हमने एक ही टास्क देखा क्योंकि आज एक ही टास्क दिखाया गया, जो था कि टैटू टास्क। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जाती हैं पहले पवित्र पुण्या, जो उन्होंने बड़े सेडक्टिव तरीके से सिद्धार्थ को रिझाया, अपने स्टाइलिश तरीके से टैटू बनवाया। वहीं सारा थोड़ी ढीली पड़ती दिखाई दी, उन्होंने बोला कि मेरा ये कम्फर्ट जोन नहीं है, मैं लोगों के साथ जब खुलती मिलती हूँ तो थोड़ा टाइम लगता है मुझे, तो थोड़ा समय चाहिए मुझे, इसलिए मैं कम्फर्टेबल नहीं हूँ। फिर धीरे धीरे निकी एज़ यूजुअल वो थोड़ी बातें करी, थोड़ी दोस्ती बढ़ाई, फिर रूबीना गई, उन्होंने भी अपना टास्क अच्छे से किया। तो ओवरऑल ये पूरा टास्क अच्छे से हुआ, और जिसमें सिड ने सारा को आउट किया, क्योंकि एज़ यूजुअल सारा ने अपना कम्फर्ट लेवल सिड के साथ नहीं दिखाया था।
अब ये हो गया एक सेक्शन पूरा। अब क्या होता है, गौहर और सिद्धार्थ का कन्वर्सेशन चल रहा होता है जहाँ पर गौहर ये बोलती हैं कि आपको कैसी लड़की पसंद है। तो सिद्धार्थ बोलता है यहाँ पर तो ऐसी कोई भी लड़की नहीं है जिसने मुझे अब तक इम्प्रेस किया हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सिद्धार्थ को गौहर बोलती है कि बट लास्ट सेक्शन में शहनाज थी जिनके साथ आपका काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग और काफ़ी अच्छा कम्फर्ट लेवल था। तो वहाँ सिद्धार्थ उनको बोलते हैं कि हाँ ऐसा था क्योंकि उसका एक रीज़न ये था कि उसको लोगों ने बहुत ज़्यादा अलग थलग किया हुआ था, वो थोड़ी सी सीधी पड़ती थी, बहुत वल्नरेबल हैं वो और बहुत उनके साथ उनका कनेक्शन जो था वो अच्छा हुआ। शी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड, वो बहुत अच्छी दोस्त हैं उनकी, ऐसा सिद्धार्थ ने बोला। अब पता नहीं जो शहनाज है जिनके बारे में आज हमें ये पता चला है कि आज ही शहनाज ने कल, मतलब जब एपिसोड ख़त्म हुआ था डे 3 का, तो फिर शहनाज ने उनको इंस्टा से अनफॉलो कर दिया था क्योंकि वो थोड़ी सी जेलस हो गई थी क्योंकि निकी और सिट का कन्वर्सेशन चल रहा था जहाँ थोड़ा सा सिद्धार्थ उनको छेड़ रहे थे, उनके साथ मस्ती कर रहे थे, शादी वादी की बातें कर रहे थे, और शहनाज को ये बहुत बुरा लगा और उन्होंने अनफॉलो कर दिया और उसकी काफ़ी पिक्चर्स जो है वो डिलीट भी कर दी अपने इंस्टा से। तो ये उनका रिएक्शन था कल का। अब आज भी उन्होंने उनको सिर्फ एक फ्रेंड बोला, कुछ ऐसा स्पेशल अटेंशन नहीं दिखाया उनके प्रति। तो आज वो क्या रिएक्शन करेंगी तो मैं कल पता चलेगा, या क्या पता आज रात को पता चले उनका थोड़ा गुस्सा, उनकी थोड़ी पॉजिटिवनेस टूवर्ड्स सिद्धार्थ। तो ये था ऑल ओवर आज का बिग बॉस का डे 4। अब डे 4 के बाद कल आता है डे 5 जहां हम आपको पहले से ही बताएंगे कि कल क्या होने वाला है और कल क्या दिखाया जाएगा। और दूसरा, रात को जब एपिसोड ख़त्म हो जाता है तो हम आपको पोस्ट इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने आज का बिग बॉस मिस किया। तो प्लीज़ हमसे जुड़े रहिए, सिने स्पीक्स को सब्सक्राइब करना, शेयर करना प्लीज़ मत भूलिएगा, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और आपके कमेंट्स हमारी दिल के बहुत करीब हैं। आप जैसा भी कमेंट देंगे हमें अजीज़ है, हमें फीडबैक मिलता है, हमें मोटिवेशन मिलता है। तो गाइज बस जुड़े रहिए और देखते रहिए सिने स्पीक्स का यूट्यूब चैनल। गुड नाइट, बाय बाय।